दोस्तों, टाइफाइड को हल्के में बिल्कुल न लें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि शायद हर तीसरे घर में आज के टाइम में मौजूद है, और अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। एक मैगजीन जिसका नाम लैंसेट है, उसके अकॉर्डिंग आज के टाइम में टाइफाइड और ज़्यादा सीवियर हो चुका है, सो इसको टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, पूरे विश्व में लगभग 11 से 20 मिलियन लोग हर साल टाइफाइड से सफ़र करते हैं। सो हम टाइफाइड से कैसे खुद को बचा सकते हैं? इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तरीका, आप प्रिकॉशन रख सकते हैं, बट उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फैलता कैसे है, ये कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। दूसरा तरीका, अगर हमें टाइफाइड है और अगर हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं टाइमली और टाइमली अपना ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं, तो फिर भी हम खुद को बचा सकते हैं। बट उसके लिए अगेन हमें पता होने चाहिए कि उसके शुरुआती लक्षण कौन से हैं। वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टाइफाइड है क्या, ये कैसे फैलता है और क्या हैं इसके मुख्य लक्षण। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइफाइड है क्या। टाइफाइड बेसिकली एक इन्फेक्शन है जो कि एस टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो 1 से 2 या फिर 3 वीक ले लेता है हमारी आंत तक पहुंचने में, और ये हमारी आंत में ही रहता है। उसके बाद 2 वीक बाद, हो सकता है 3 वीक के बाद, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम यानी कि हमारे खून में मिक्स हो जाता है, और उसके बाद ये टेस्ट में दिखता है, उसके बाद ये कंफर्म होता है कि हमें टाइफाइड हुआ है। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आपको पता लगेगा तब तक बैक्टीरिया आपके अंदर 3 हफ्ते रह चुका होगा, यानी कि आज अगर बैक्टीरिया आपके अंदर गया है तो आपको नेक्स्ट डे या फिर 1 वीक के अंदर नहीं पता लगेगा, इसको टेस्ट में आने में टाइम लगता है। दूसरा, ये हमारी बॉडी में कैसे पहुंचता है? ये हमारी बॉडी में हमेशा मुंह के थ्रू पहुंचता है। हम अपने मुंह से कोई भी गंदी चीज़, इन्फेक्टिव चीज़ खाते हैं या फिर पीते हैं, फिर ये हमारी आंत में जाता है, वहाँ पे कुछ दिन रहता है, और उसके बाद आंत की जो वॉल्स होती हैं, हमारी इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, उनके थ्रू हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और उसके बाद ये टेस्ट में दिखना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली हमें करना क्या है, इन्फेक्टेड चीज़ें नहीं खानी है, इन्फेक्टेड पानी नहीं पीना है। जैसा कि आपको पता है कि मक्खियाँ और मच्छर भी इसको फैलाने की क्षमता रखते हैं, सो अगर कोई इंसान आपके घर में इन्फेक्टेड है तो मच्छर और मक्खियों का स्पेशली ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड इंसान के स्टूल और यूरिन से भी पास हो सकता है। अगर उसने अपने हैंड वॉश अच्छे से नहीं किए हैं तो वो भी आपस में फैला सकते हैं। सो अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड है तो स्पेशली उसे बच्चों से और बुज़ुर्गों से थोड़ा सा दूर, साथ बैठने से और साथ खाने से नहीं फैलता है, बट स्टिल प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम समझ लेते हैं इसके मुख्य लक्षण कौन से हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये सबसे पहले हमारी आंत में पहुंचता है, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचता है। सो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो किससे रिलेटेड होंगी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, क्योंकि आंत में हमारा डाइजेशन होता है। सो सबसे पहला जो सिम्टम हमें दिखता है वो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड दिखता है। किसी को इंडाइजेशन हो सकता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी को लूज मोशन हो सकता है, किसी को ब्लोटिंग हो सकती है, किसी को हो सकता है वॉमिट हो जाए, किसी को हो सकता है भूख ना लगे। सो डाइजेशन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हो सकती हैं उस इंसान को। दूसरा सबसे बड़ा इसका जो लक्षण है वो है फीवर, कॉन्टिन्यूस फीवर, जो थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, 99 से शुरू होगा, 100, 101, देन 2 एंड 104 तक ये फीवर जा सकता है। कुछ लोगों में कॉन्टिन्यूसली 104 फीवर रहता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, इसमें सिर दर्द होता है, कुछ लोगों को काफ़ी तेज़ होता है, कुछ लोगों को काफ़ी कम होता है। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में, जो कि ज़्यादातर नेक के आसपास, गर्दन के आसपास के एरिया में और पेट के आसपास या फिर सीने पे रेड कलर के पैचेस जिसमें हल्के हल्के दाने आपको दिखते हैं, ये भी कुछ लोगों में देखा गया है। बट ज़रूरी नहीं है कि दाने हर इंसान में दिखें, सिर दर्द हर इंसान। अगर फिज़िकल प्रॉब्लम की बात करें तो थकान बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है, हिम्मत नहीं होती उठने की, बैठने की, चलने की। सो बेसिकली अगर हम बात करें, जो मेन लक्षण है वो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होता है। दूसरा सिर दर्द, तीसरा फीवर, और चौथा जो कि स्किन पे हो सकता है, एंड पांचवा आपको कमज़ोरी फील हो सकती है। इन चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखें, और अगर आपको लग रहा है कि ये लक्षण आपके अंदर हैं तो फिर आपको क्या करना है। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइफाइड होने के पीछे क्या कारण है, ये किन लोगों को होता है। अगर आपको एक बार टाइफाइड हुआ है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको बार बार टाइफाइड होगा या फिर नहीं होगा।
टाइफाइड से बचने के क्या उपाय हैं, कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जो कि इसके लिए बेस्ट काम करती हैं, और कौन सी वो वर्स्ट सिचुएशन है जिसमें आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना होगा। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जाके ज़रूर बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और कौन सी चीज़ आपको बेस्ट लगी एंड कौन सी चीज़ आपको मिसिंग लगी।